अब पुलिस वाले ही कहता ना कि बंदूक इनके घरे मिलल है। जाके प्रधान के मेहरारू से पूछी, बंदूक अपने हाथे से निकाल के अपने पुराने घर से पुलिस के हवाले कर ले बाकी अपने घर में से पुलिस राइफल मांगले बा, अपने हाथे से निकाल के दे देले बानी। आप दी हैं यहां से? पुलिस के दे ले। हां पुलिस को दी है अपने। हां प्रेमचंद यादव की राइफल और ड्राइवर नवनाथ मिश्रा। देवरिया हत्याकांड के बाद इनकी लगातार चर्चा की जा रही है। आरोप है कि मृतक प्रेमचंद यादव की लाइसेंसी राइफल से उसके ड्राइवर नवनाथ ने सत्य प्रकाश दुबे के परिवार पर 3 राउंड फायर किया था। इस हत्याकांड के बाद आरोपी नवनाथ मिश्रा की पत्नी से यूपी तक की टीम ने खास बातचीत की। उन्होंने प्रेमचंद यादव की पत्नी पर ही आरोप लगाते हुए कहा कि वो राइफल उनके पति के पास नहीं थी, बल्कि प्रेमचंद यादव की पत्नी ने खुद अपने घर से निकाल कर दी थी। वही प्रेमचंद यादव की पत्नी से जब इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया। ड्राइवरी करता है 200 रुपया ले आता है, अपने बेटी बेटा खर्चा पढ़ाई लिखाई नमक पे चलावत रह, ओकरे नातिन के साथ है रह, लेकिन नातिन कर गाड़ी चलाओ, लेकिन नातिन के लोग ही फंसा होता कि गोली है लोगन चलाओ ले बट। अब पुलिस वाले ही कहता ना कि बंदूक इनके घरे मिलल है। जाके प्रधान के मेहरारू से पूछी, बंदूक अपने हाथे से वो निकाल के अपने पुराने घर से पुलिस के हवाले कर ले बट। हाँ मर्द हमार हम कहें कि का करब यार, और भागले पर अल बढ़िया बगल तीन आई कैले बाटी जाके हाजिर हो जाए। पुलिस वाले का तो हम लोग गिरफ्तार किए हैं उनको, झूठे झूठे रंजिश लगा के हम लोग उनके फंसा के हमारे 200 रुपया कमाए वाले के 8 दिन से हमारे परेशान बाटे 10 दिन से खेले भी ना। तो वो ये बताइए गाड़ी किस की, प्रेमचंद की गाड़ी चलाते थे वो? हाँ बस गाड़ी उनका स्कॉर्पियो चलाओ तो ना। अच्छा हाँ, पूरा गांव में आप पूछ ले उसके अलावा कौन काम ना है। अच्छा बस इनका दूसरा जहाँ जाए खोई देखी, कहियो कहियो दिन का दिन आई फोन आए ना जाए, कहियो सवेरे 9 बजे कहियो सवेरे 8 बजे फोन आए पटू भाई हे जगह से चले, ए पटू भाई हो जगह से, बस इतना पुनः है ही खाई है 10 मिनट बाद ही मतलब उनके घरे पहुँची है। जहाँ भी जाए रही चरपहिया लेके जाइए। उनके बचपन के साथी भी हैं क्या? साथी होती वाले जे जिक्रे लगे रहे उतना साथी बा, अब आपसे हम बात करते हैं उतना साथी बा, अब 24 घंटा उनका गाड़ी चला होता ना। तो उस दिन जब ये उनको जब मालूम हुआ तो वो फिर गए किस रास्ते से? गए इधर से, गए इधर से रास्ता ना बस आए पानी बा इधर। अच्छा तो रोड तरफ से गए थे? पानी रोड बा यहाँ, लेकिन यहाँ पानी बा इतना केहू के आ जाए लग ना, गए ना इधर से पैदल उनके घरे ले। अच्छा ये बताइए कि इसमें बताया जा रहा है कि ये जब वहाँ पहुँचे तो फिर किसी ने यहाँ से इनकी राइफल प्रेमचंद को ले आके दे दी और वही जो है यही गोली मारे हैं सत्य प्रकाश दुबे को? यहाँ से मतलब हम उनके घर तक नहीं जाएगा, हमन के ब्राह्मण परिवार है, अपने ही दुआरे घरे तक हमन के जौन भी काम धंधा रहे अपने दुआरे घरे तक, उनके घर तक हमन के नहीं गए बाटे। पुलिस तो मुलजिम इन्हीं को मान रही है? मान रही है, दबाव से जबरदस्ती मारपीट के कबुलवा रही है, डंडा के और डर से कि सही बात नहीं कह पाए झूठ को ही वह लोगों के साथ पेश करता है। बताए साहब हम 3 ठेलाइकन के लेके कौने घाटे लगी, जमीन ऊ लिखौना जमीन ऊ लिखना ओमे हमके का मिले वाला बा, हमारे लगे सुबह ही तो घरों ना बा मरई कंट्रेने के घर में हम रहत आटे न बेमत होत रह हम घर बनवा पावत रहनी है, हमके हमरे खाली मर दे के तो आप बेच रहे हमें से लोगन फसावत। राइफल कहाँ से बरामद हुई है जो आपके जो है प्रेमचंद जो पति के नाम से जो राइफल थी, राइफल किसके पास से मिली है राइफल? अभी नहीं जान राइफल के पास से मिलल बा, इतना नहीं है। बाकी अपने घर में से पुलिस राइफल मांगले बा, अपने हाथे से हम निकाल के दे देले बानी। आप दी हैं यहाँ से? पुलिस के देले बानी। हाँ पुलिस को दी है अपने। हाँ बाकी नहीं हम जानत कहाँ राइफल बा। तो आरोपी नवनाथ की पत्नी ने इस मामले में प्रेमचंद यादव के परिवार पर सवाल उठाए। वहीं दूसरी तरफ जिस दिन नवनाथ को पुलिस ने गिरफ्तार किया था तो क्या कुछ कहा था वो भी सुन लीजिए। और इसने अपने बयान में ये एक्सेप्ट किया है कि घटना के दौरान ये मौके पर मौजूद था और जो 3 राउंड फायर राइफल से किया गया था वो इन्होंने ही किया था सत्य प्रकाश दुबे के परिवार पर, और इसमें इनकी निशानदेही पर जो आला कतल है जो राइफल है वो भी पुलिस द्वारा बरामद कर लिया। अब सवाल ये कि आखिर सच्चाई क्या है, आखिर वो राइफल कहाँ थी, आखिर नवनाथ कहाँ था? इन तमाम सवालों के जवाब क्या होंगे ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। फिलहाल आपको बता दें कि 2 अक्टूबर को जमीनी विवाद में यह हत्याकांड हुआ जिसमें 6 लोगों की जान चली गई। आरोप ये कि पहले प्रेमचंद यादव की हत्या की गई, फिर बदले की भावना से सत्य प्रकाश दुबे और उसके परिवार के 5 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड में अब तक पुलिस ने 21 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। देवरिया से राम प्रताप सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।